हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वर्धन्स ब्लॉग। और आज है 11th अगस्त और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत 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 बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला था एक दो दिन पहले कि CNG लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है ट्राइबर में, तो रिनॉल्ट ट्राइबर में CNG लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो उसमें एक्चुअली मैंने बताया था कि प्रॉब्लम क्या हो रखी थी कि बेसिकली कि उसमें पेट्रोल के भी जो पॉइंट्स थे वो भी डाउन हो रहे थे, साथ साथ CNG भी लग रही थी तो पेट्रोल भी लग रही थी, तो पेट्रोल भी लग रहा था। तो मुझे लगा कि ये तो क्या चक्कर है, ये इसमें अगर पेट्रोल भी लग रहा है तो फिर CNG लगवाने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि CNG आदमी इसीलिए लगवाता है कि पेट्रोल ना लगे। तो कल क्या हुआ कि कल जो पेट्रोल था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और पेट्रोल का जो MT का नोटिफिकेशन होता है वो मीटर पे शो हो रहा था। तो मैंने फिर पेट्रोल और डलवाया। और उससे पहले एक हमारे सब्सक्राइबर हैं हिमांशु गुप्ता, उन्होंने कमेंट करके बताया था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि क्यों ये ट्राइबर में पेट्रोल कम हो रहा है जबकि कार CNG पे चल रही है लेकिन पेट्रोल भी कम हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि इसका मेन कारण क्या है कि जो ट्राइबर है इसके अंदर माइलेज सेंसर लगे हुए हैं, तो जैसे ही वो चलती है तो उस हिसाब से वो पेट्रोल के इंडिकेशन और पेट्रोल के जो पॉइंट्स हैं उनको कम दिखाता है कि पेट्रोल आपका कम हो गया है और उसको भरवा लीजिए। तो उन्होंने इसका एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक ये थी कि आपको करना क्या है कि जो बैटरी है, बैटरी के जो माइनस वाला पॉइंट होता है नेगेटिव, उसको हटाना है उस तार को और उसको फिर लगाना है दोबारा, और दोबारा लगाने के बाद वो जो बाकी पॉइंट है वो दोबारा शो होने लग जाएंगे। तो मुझे डाउट था कि भाई कार की ये बिल्कुल जो पेट्रोल है वो MT भी दिखा रहा है तो फिर ये कैसे होगा, आई होप कि ये वर्क कर जाए। तो फिर मैंने कल जैसे पेट्रोल डलवाया तो मैंने पेट्रोल जो डलवाया था वो डलवाया था 500 रुपये का, 500 कुछ रुपए का आया था क्योंकि 5 लीटर मैं डलवाया था। मैं हमेशा लीटर में डलवाता हूँ, रुपये में नहीं डलवाता हूँ। तो 5 लीटर कहोगे तो फिर वो उस हिसाब से उसमें गड़बड़ होने के चांसेस कम होते। तो 5 लीटर जैसे मैंने डलवाया तो उसके बाद 2 पॉइंट शो होने लगे। फिर मुझे डाउट हुआ कि हो सकता है कि ये जो हिमांशु गुप्ता जी ने बताया है वही प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए फिर मैंने आज सुबह अपने आप वो जो बैटरी में नेगेटिव वाला पॉइंट था माइनस पॉइंट उसको हटाया और उस वायर को दोबारा कनेक्ट किया। तो फिर मैंने चेक किया तो अभी भी 2 ही दिखा रहा था। फिर मैंने क्या किया कि इसके जो इग्निशन है, इग्निशन को ऑन करने के बाद फिर उसे हटा के फिर दोबारा लगाया तो दोबारा आप मुझे 3 पॉइंट दिखाई देने दे रहे हैं, यानी कि जो भी पेट्रोल मुझे डाउट था कि कम हो गया है वो कम नहीं हुआ और वो एक्चुअली पॉइंट अब दोबारा शो होने लग गए हैं। यही उन्होंने हिमांशु गुप्ता जी ने बताया था कि ऐसा कर लो तो आपके पॉइंट दोबारा शो होने लगेंगे। तो एक्चुअल में ये ट्राइबर में पेट्रोल नहीं लग रहा था, आपका सिर्फ पेट्रोल कंज्यूम होने का वो नोटिफिकेशन दिखा रहा था कि पेट्रोल के पॉइंट्स कम हो रहे हैं, बट इनफैक्ट गाड़ी CNG में ही चल रही थी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के अभी पॉइंट आ रखे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें अभी 3 पॉइंट शो हो रहे हैं और कल बिल्कुल MT वाला साइन आ गया था तो ये वाला ब्लिंक कर रहा था बार बार, पेट्रोल वाला साइन जो ये ब्लिंक करता है इसका मतलब है कि पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, फटाफट अपना पेट्रोल डलवा लो। लेकिन जब जैसे ही मैंने 500 का डलवाया तो ये 3 पॉइंट आ गए। बेसिकली क्या होता है कि 500 रुपये में यानी कि 5 लीटर में 1 पॉइंट आता है, 10 लीटर में 2 और 15 लीटर में 3। तो और मैं अगर 2000 का यानी कि 20 लीटर डलवाता हूँ तो 4 पॉइंट्स आते हैं। तो यही हुआ। तो अब देखिए सिर्फ 500 रुपये का मैंने डलवाया यानी कि पेट्रोल इसमें ऑलरेडी अवेलेबल था। तो प्रॉब्लम जो मुझे लग रही थी कि शायद इस स्विच में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इस स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है और ये भी काम कर रहा है। अभी देखते हैं कि CNG अभी 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं और देख सकते हैं आप 65 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है ये, तो देखते हैं कितनी माइलेज देती है। उसके बाद जब ये बिल्कुल MT हो जाएगी कोशिश करूँगा कि मैं तभी डलवाऊँ और आपको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है ना, इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। बट थैंक यू सो मच हिमांशु गुप्ता जी, मेरे व्यूवर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं, एक दूसरे की हेल्प हम इसी तरह कर सकते हैं। अगर आपको भी कुछ नॉलेज है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करो और वीडियो कैसा लगा आप वो भी ज़रूर बताया करो ताकि मैं उसको वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ और आपके लिए और यूज़फुल वीडियो बना सकूँ। सो थैंक यू सो मच, अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस।
मस्त नज़ारा दिखाई देता है। मेट्रो स्टेशन है, गैस कर सकते हैं आप कौन सा है। अभी टाइम हो गया है लंच का, 2 बज चुके हैं, तो देखिए लंच में क्या है आज। सब्जी, ये आलू घिया, ओके, प्लस में है रोटियां। इतने प्यारे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स आए हैं, देखिए इलेक्ट्रिक का, अब ये आप समझ सकते हो आने वाला टाइम सिर्फ इलेक्ट्रिक का है। तो इलेक्ट्रिक देखो कितना प्यारा कलर है इनका और कितने अच्छे लग रहे हैं, अमेजिंग से देखिए। तो ये काफ़ी चल रहे हैं आज के टाइम, तो अभी आने वाले टाइम में और बहुत सारे हो जाएंगे देखिए। तो आप लोगों के साथ मैं एक इनसाइट शेयर करने वाला हूँ, एक बहुत ही यूज़फुल बात जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, और वो ये है कि जैसा कि आपको पता ही है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, इट्स अ जर्नी, और एक जर्नी है, हमें उस जर्नी पे चलते जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारा सबका एक एम है कि हमें कहीं ना कहीं पहुंचना है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं और हम लेट हो जाते हैं, और जो हम चाह रहे हैं जैसे कि हमारा कोई एम है कि हम ये करना चाहते हैं या ये पाना चाहते हैं, और उसमें काफ़ी लेट हो जाते हैं, कई बार नहीं सक्सेस मिल पाती हमें इतनी जल्दी से, तो उसमें क्या होता है कि बड़ा दुख होता है। और जब स्पेशली हम दूसरों को देखते हैं कि वो देखो वो कितने आगे बढ़ गया, हमारे साथ चला था, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो हमारे बाद भी चले थे, वो भी और भी आगे पहुँच जाते हैं, और दुख जब ज़्यादा होता है कि वो हमारे से ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं है फिर भी वो आगे बढ़ गए, तो ये जो दुख है ना ये ठीक है, बट क्या है कि ये ऐसा दुख नहीं होना चाहिए। और इस दुख को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, दो ये नेचुरल है कि ऐसा दुख होगा, लेकिन हम इसको अवॉइड कर सकते हैं इस बात को ध्यान में रख के कि लाइफ इज़ अ जर्नी, वो एक जर्नी है, वो एक डेस्टिनेशन नहीं है। तो हमें जो है फोकस जर्नी पे करना चाहिए, हमें जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि वी बिकम गोल ओरिएंटेड और गोल फोकस्ड, हम गोल पे फोकस करते हैं और वही सोचते हैं कि गोल हमारा अचीव नहीं हुआ है तो हमें हैप्पीनेस नहीं मिल पाती, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो हम खुश नहीं हो पाते, निराश हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि जो हम कर रहे हैं या हम जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते, और जो भी हमारे को सक्सेस मिली है, देखिए अगर आप चल रहे हैं ना तो वही सक्सेस है, आप पहुंच जाओगे वहां पे, पहुंचने के बाद आपको लगेगा कि यहां से हमें और आगे जाना है, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो आप अभी चल रहे हैं ना, दैट इज सक्सेस, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, क्या आप पहले से ही सक्सेसफुल है अगर आप चल रहे हैं तो। लेकिन हाँ, अगर आप चल ही नहीं रहे, आप कोशिश ही नहीं कर रहे, आप ट्राई नहीं कर रहे और आप रुक गए हैं, यू हैव स्टैंड स्टिल, तो दैट्स वेयर यू शुड स्टैंड अप एंड कीप मूविंग, ओके। दूसरों को देख के, दूसरों की सक्सेस को देख के हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रूव करते रहिए, अपने आप में सेटिस्फाई रहिए जो भी हमें मिल गया है, और उसके लिए थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए और ग्रेटिट्यूड शो करते रहिए। तो यही थी जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, तो ये चीज़ मैं भी अपने आप में अमल करता हूँ, काफ़ी कोशिश करता हूँ कि अमल करूँ, और काफ़ी हद तक मैं इसको अमल करता हूँ, बट कई बार हो जाता है
कि फिर इस तरह का दुख होता है, तो फिर दोबारा मैं ये चीज़ें अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ, फिर मेहनत करने लग जाता हूँ। वही बात है, देखिए जिस तरह के जीएस फिल्म्स एक व्लॉग चैनल है वो कहता है मेहनत मेरी रहमत तेरी और प्यार आपका, तो बात ध्यान में रखिए, मेहनत आपकी होगी, रहमत भगवान की और आशीर्वाद आपके चाहने वालों का। सो, इस बात को ध्यान रखें। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये बात सही है या क्या सही आइडिया है, कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं।